Good morning, this is Imran Ul Haq with a new reading video, and today I have selected how to check true, false and not given. Okay, so this is a special video for those who are struggling in true, false and not given. You can see in box 1 to 7, these are 1 to 7. Okay, do the following statements. Agree with the information given in the reading passage. Do the following information. These are, you can say, these are the statements. Okay, these are the reviews. Okay, whether they are agree with the information given in the text or no. If they agree, okay, if that statement agrees, it means it is true. Agar ye sare ki sare कोई भी इनमें से ऐसा रिव्यू स्टेटमेंट जो एज इट इज मैच कर रही हो सेंस के लिहाज से, मीनिंग्स के लिहाज से, तो इसका मतलब है ये ट्रू होगा. वी विल फाइंड इट टुडे. ओके, एंड देन इफ इट कंट्राडिक्ट्स, इफ दिस स्टेटमेंट इज कंट्राडिक्टिंग विद द स्टेटमेंट गिवन इन द टेक्स्ट, इट मीन्स इट इज फॉल्स. अदरवाइज द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, that is called not given. So not given in two senses you can take. In one, the total information is not given. On the other hand, partial information is not given. Okay, two things. एक तो या तो मुकम्मल ही sense नहीं दी जाती या फिर आधी दी जाती है, तो that is called partial. Let's see. Okay, the very first one. On leaving school, Moore did what his father wanted him to do. Moore ने वही किया जो उसका father चाहता था. तो हम देखते हैं जी कि school छोड़ने पर Moore ने वही किया जो उसका father चाहता था. तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखें, after leaving school, वही है ना, school छोड़ने पर Moore hoped to become a sculptor, वो एक sculptor बनना चाहता था. But instead, बल्कि इसकी बजाय ही compiled विद हिज फादर विश, उसने अपने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक ही किया. अब देखें, ही कंपाइल्ड विद हिज फादर्स विश, उसने क्या किया जी, अपनी बाप के ख्वाहिश के मुताबिक ही किया. अब देख सकते हैं यहाँ पे कि वो बिल्कुल एज इट इज ही बता रहा है कि उसने वही किया जो उसके फादर ने उसको कहा. तो फिर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो मैच कर रही है. हाँ जी, स्टेटमेंट जो है वो मैच कर रही है कि बाप ने जो कहा, ही कंपाइल्ड विद हिज फादर्स विश, उसने वही किया जो उसके बाप ने कहा था. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज मैच कर रही है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगी वो ट्रू होगी. ठीक है जी. व्हाट That he trained as a schoolmaster, उसने वही किया जो उसका फादर चाहता था. तो ये देख लें, on leaving school, Moore did what his father wanted him to do, complied according to his father. आप देख रहे हैं जी, बिल्कुल as it is match कर रही है, तो statement क्या होगी फिर, true होगी. ठीक है, second देखते हैं. Moore began studying sculpture. First of all, underline the clue words. Okay, in his first term, these are lead school of art. Moore ने जो मुजस्मा साजी थी वो पहली टर्म में पढ़ना शुरू की. कहाँ पर? लीड स्कूल ऑफ आर्ट में. लीड स्कूल ऑफ आर्ट में ही स्टार्टेड स्टडींग स्कल्पचर इन हिज फर्स्ट टर्म. सो रिमेंबर दिस स्टेटमेंट एंड लेट्स सी वेदर इट मैचेस और कंट्राडिक्ट्स और इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन. वी विल चेक. जी, ये आपके पास है लीड स्कूल ऑफ आर्ट. हम देखते हैं जी, लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पे लिखा होगा. लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट की वो बात करता है जी. ये है लीड स्कूल ऑफ आर्ट, देख रहे हैं आप. ये आफ्टर दिस वार, Moore इनरोल्ड एट द लीड स्कूल ऑफ आर्ट वेयर ही स्टडीड फॉर 2 years. इन हिज फर्स्ट ईयर, ये देखिएगा, इन हिज फर्स्ट ईयर है ना जी, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम ड्रॉइंग. आप ये देखें, अपने उसने ज्यादातर वक्त किस में गुजारा है जी, ड्राइंग में.
की, ठीक है, ऑल्दो ही वांटेड टू स्टडी स्कल्पचर, वो स्कल्पचर भी, मुजस्मा साजी भी पढ़ना चाहता था, नो टीचर वॉज अपॉइंटेड अंटिल हिज सेकेंड ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर तक तो कोई वहां पे टीचर ही ना था, तो अगर सेकेंड ईयर तक कोई स्कल्पचर का टीचर ही नहीं था तो वो कैसे पढ़ सकता था स्कल्पचर, ठीक है जी। तो वो तो फर्स्ट पार्ट में ड्राइंग पढ़ता रहा। तो आप देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से कंट्राडिक्ट कर रही है कि उसने लीड स्कूल ऑफ आर्ट की पहली टर्म में स्कल्पचर मुजस्मा साजी पढ़ी, लेकिन वहां पे तो पहले 2 साल आर्ट का टीचर ही नहीं था, इसका स्कल्पचर का टीचर ही नहीं था, तो फिर उसने क्या पढ़ा था, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम ड्राइंग, तो ड्राइंग में वो उसने पढ़ा। तो आप देख रहे हैं कि इंतहाई यानी नफासत के साथ, नफीस तरीके के साथ वो टोटली कंट्राडिक्ट कर रहा है उन इंफॉर्मेशन से जो टेक्स्ट में दी गई हैं। तो जब कंट्राडिक्शन आ जाती है तो फिर आप देख सकते हैं कि वो फिर फॉल्स के जिम्मे में आता है। हाँ जी, तो आप इस तरह कीजिएगा, देखें क्या क्या अच्छे तरीके के साथ, थोड़ा सा एक्टिव रहने का है बस, कि आप एक्टिव रहें। वेन मूर स्टार्टेड एट रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, ये चीजें आपने जरूर याद रखी हैं, ये वाली स्टार्टेड, इट्स रेप्यूटेशन फॉर टीचिंग स्कल्पचर वॉज एक्सीलेंट। जब मूर ने रॉयल कॉलेज आर्ट पर शुरू किया तो इसकी रिप्यूट, जो शोहरत थी ना टीचिंग की, टीचिंग स्कल्पचर मुजस्मा साजी बनाने की, वो बड़ी शानदार थी, वो बड़ी अच्छी थी। देखते हैं जी कि ये कहीं पे है कि जब मूर ने इसको ज्वाइन किया, स्टार्टेड किया था कॉलेज, तो इसकी रेप्यूटेशन मुजस्मा साजी की बहुत अच्छी थी। लेट्स सी, ये रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट है, रॉयल, ये देख रहे हैं। एट द एंड ऑफ दैट ईयर ही पास द स्कल्पचर एग्जामिनेशन एंड अवार्डेड अ स्कॉलरशिप टू रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट। इन सितंबर ही मूव्ड टू लंदन, इन सितंबर इन 1921 ही मूव टू लंदन एंड बिगेन 3 years ऑफ एडवांस स्टडी इन स्कल्पचर। अलॉन्ग साइड द इंस्ट्रक्शन ही रिसीव्ड एट द रॉयल कॉलेज, मूर विजिटेड मैनी ऑफ द लंदन म्यूजियम्स, पर्टिकुलरली ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम विच हैड वाइड रेंजिंग कलेक्शन। अब आप यहाँ पे देख लें कि कहीं पे ये लिखा है कि उसकी रिप्यूट बहुत अच्छी थी, नोवेयर मेंशन, नोवेयर यू कैन सी इवन द रॉयल कॉलेज आर्ट ऑफ लंडन इज देयर। समटाइम्स द वर्ड्स आर देयर, फ्रेजेज आर देयर, इडियम्स आर देयर, बट द सेंस इज नॉट मैचिंग, बट द वर्ड्स टोटली वर्ड्स, ओके, दे आर नॉट गिविंग द सेम सेंस विच इज गिवन इन द टेक्स्ट। तो आपने यही तो चीज़ें आपको विजिलेंट रखती हैं कि आपने करना क्या है, कि ये देखें वो पास्ट एग्जामिनेशन है, वाज अवार्डेड स्कॉलरशिप एट रॉयल कॉलेज इन आर्ट, उसको दे दिया गया। अब देखें उसको अवार्ड स्कॉलरशिप दे दिया गया है, तो वो क्या किया है कि 2021 में मूव टू लंदन चला गया, बिगेन 3 years एडवांस स्टडी इन स्कल्पचर, तो वो एडवांस स्टडी स्कल्पचर में करने लग गया। तो यहाँ पे तो वो कहता है कि रॉयल कॉलेज जब उसने ज्वाइन किया तो उसकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी थी, कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये रेप्यूटेशन जो थी वो उसकी अच्छी थी, ठीक है जी, स्कल्पचर में, ठीक है जी, कहीं पे उसने तो इसको पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, जब वो वहाँ पे गया तो उसने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि इसकी जो रेप्यूटेशन थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दी गई, तो फिर हम उसको नॉट गिवन कहेंगे। देखें ये इसके बारे में बताया ही नहीं गया। मैंने पहले भी ये बताया कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में स्ट्रगल करते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ तो है कि वो वहाँ पे गया है, उसने मुजस्मा साजी शुरू कर दी, ठीक है, पढ़नी शुरू कर दी, 3 years का एडवांस डिप्लोमा था उसमें, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं लिखा ये वाली चीज़ कि इट्स रेप्यूटेशन फॉर टीचिंग जो थी ना वो एक्सीलेंट थी, ये कहीं पे भी उसने मेंशन नहीं किया। इवन दो के बाकी वर्डिंग की है, लेकिन बी वेयर, ओके, बी विजिलेंट, ओके, सो एंड द इंफॉर्मेशन इज नॉट नाउ। नाउ सी, मूर बिकेम अवेयर ऑफ एंशियंट स्कल्पचर एज अ रिजल्ट ऑफ विजिटिंग लंदन म्यूजियम। लंदन के म्यूजियम अजायब घरों के सैर के नतीजे में मूर जो था वो कदीम मुजस्मा साजी के बारे में जान गया, ठीक है। हम देखते हैं जी क्या वो जब लंदन के वो विजिट्स पे गया है तो वो कुछ जान गया था, तो हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखें, ये म्यूजियम है।
मूर विजिटेड, ये देखिए मूर विजिटेड मैनी ऑफ लंडन म्यूजियम्स पर्टिकुलरली ब्रिटिश म्यूजियम विच हैड अ वाइड रेंज ऑफ कलेक्शन ऑफ एंशियंट स्कल्पचर। भाई वहाँ पे एंशियंट स्कल्पचर भी हैं और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ तक वो विजिट किया है उसने ब्रिटिश म्यूजियम को और वहाँ पे एंशियंट जो मुजस्मे हैं वो भी हैं। ड्यूरिंग दीज विजिट्स ही डिस्कवर्ड द पावर एंड ब्यूटी ऑफ एंशियंट इजिप्शियन एंड अफ्रीकन स्कल्पचर, ये देख लें ठीक है। अब वो कहता है कि इस दौरान उसने पाया, तलाश किया क्या, पावर एंड ब्यूटी ऑफ एंशियंट इजिप्शियन एंड अफ्रीकन स्कल्पचर, इजिप्शियन और अफ्रीकन जो कदीम मुजस्मा साजी है उसकी पावर और खूबसूरती के बारे में। तो वो वहाँ पे गया तो मूर बिकेम एंशियंट स्कल्पचर है जी, एंशियंट इजिप्शियन और अफ्रीकन उसके बारे में। रिजल्ट कहाँ गया है, लंदन म्यूजियम में गया है, उसने एंशियंट स्कल्पचर स्कल्पचर बारे में भी देखा है, अवेयर भी उनके बारे में हुआ है, हाँ जी मूर हुआ है कि नहीं जी उनके बारे में, तो ये देख लें। तो उसने क्या किया है ये देखें, विजिट सी डिस्कवर्ड द पावर, डिस्कवर्ड द पावर है ना जी, उसने कुछ दरियाफ्त किया है, उसको कुछ पता चला है, तो ये देखें स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल मैच कर रही है। तो आपने यकीन रखना है कि आप अपने ऊपर कि आप 100% एक अच्छे तरीके के साथ इसको करेंगे। नेक्स्ट है जी द ट्रोकेड्रो म्यूजियम मायान, ये कैपिटल लेटर स्कल्पचर अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इसने बहुत ज़्यादा लोगों की इंटरेस्ट जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट की। हम देखते हैं जी कि इसने की है अट्रैक्ट की है अपनी तरफ, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये मायान है ठीक है। मायान वेयर इज मायान स्कल्पचर ऑफ द रेन स्पिरिट, ये देख लें जी। व्हेन ही विजिटेड द ट्रोकेड्रो म्यूजियम इन पेरिस ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई अ कास्ट ऑफ, तो वो काफ़ी मुतासर हुआ कास्ट ऑफ मायान स्कल्पचर, मायान स्कल्पचर से काफ़ी इम्प्रेस हुआ, ऑफ द रेन स्पिरिट जो कि रेन स्पिरिट्स का था मुजस्मा ठीक है। इट वॉज मेल रिक्लाइनिंग फिगर, ये एक मेल फिगर था विद इट्स नीज ड्रॉन अप टूगेदर, इसके नीज जो थे घुटने जो थे वो निकले हुए थे, एंड इट्स हेड एट राइट एंगल, और इसका सर जो है वो राइट एंगल को था टू इट्स बॉडी, इसके बॉडी से। अब यहाँ तक आपने पढ़ा है, आप ये पढ़ा है कि वो इंटरेस्टेड था इस जो स्पिरिट है रेन स्पिरिट है इसमें, उसने अपनी इंटरेस्ट शो की, वो इम्प्रेस हुआ, वो एक रिक्लाइनिंग फिगर थी जो स्पिरिट थी देवता या देवता थी बारिश की उससे ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं उसके पोस्चर के बारे में बताया हुआ है कि नीज ड्रॉन अप है, हेड एट राइट एंगल है ठीक है जी, तो उसके पोस्चर के बारे में बताया हुआ है। लेकिन अगर आगे पढ़ लेते हैं, मूर बिकेम फैसिनेटेड विद द स्टोन स्कल्पचर, उसको ये अच्छा लगा पत्थर का जो मुजस्मा था, विच ही थॉट हैड अ पावर एंड ओरिजिनैलिटी दैट नो अदर स्टोन स्कल्पचर पोजेस्ड, ही हिमसेल्फ स्टार्टेड कार्विंग अ वराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स इन स्टोन, उसने खुद भी इस तरह की वराइटी ऑफ स्टोन पे काम करना शुरू कर दिया। अब देख सकते हैं कहीं पे हमने जितना भी पढ़ा है तो क्या मायान के जितना भी मुजस्मा साजी है उसने पब्लिक की इंटरेस्ट को अपनी तरफ खींचा है, कहीं पे भी ना तो पब्लिक का जिक्र आ रहा है ना उसकी इंटरेस्ट के बारे में जिक्र आ रहा है, तो फिर नॉट गिवन पे जाएं ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मूर थॉट द मायान स्कल्पचर वो सिमिलर, ये देखें ये जो मायान स्कल्पचर है ये बिल्कुल किस जैसा है, इन सर्टन एस्पेक्ट्स काफी अनासर के लिहाज से काफ़ी पहलुओं के लिहाज से तो अदर स्कल्पचर दूसरे जो मुजस्मे हैं उनके बिल्कुल उन जैसा है, कई लिहाज से ये मायान स्कल्पचर जो है वो दूसरे मुजस्मों से मिलता जुलता है। तो क्या मिलता जुलता है जी, देखें जरा के मिलता जुलता है तो फिर हम देख लेते हैं। हाँ जी ये मूर बिकेम फैसिनेटेड विद दिस स्टोन स्कल्पचर विच ही थॉट हैड अ पावर एंड ओरिजिनैलिटी, ये देखिएगा मूर फैसिनेटेड बन गया इसके पत्थर के मुजस्मे का, विच ही थॉट हैड अ पावर जिसके बारे में उसका ख्याल था कि इसकी पावर है ओरिजिनैलिटी है इसमें जिद्दत है,
दैट नो अदर स्टोन स्कल्पचर, किसी और में नहीं है, कोई और ऐसी मलकियत नहीं रखता। यानी ये जो मायान स्कल्पचर है उसमें ऐसी पावर और ओरिजिनलिटी है, किसी और में नहीं। लेकिन ये तो कहता है कि ये मोर मायान स्कल्पचर जो है वो एक जैसा है किसी दूसरे स्टोन स्कल्पचर जैसा, लेकिन कई जो एस्पेक्ट्स हैं पहलुओं के लिहाज से, क्या ऐसा है वहां पे? वो तो कहता है यहाँ पे, तो ये तो दैट नो अदर स्टोन स्कल्पचर पोजेस, किसी और में तो ऐसी चीजें हैं ही नहीं। लेकिन ये कहता है कि उसमें है वो सिमिलर इन सर्टन अदर एस्पेक्ट्स। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है वो कंट्राडिक्ट कर रही है, कंट्राडिक्ट कर रही है जी। तो फिर आप क्या करेंगे, फॉल्स पे जाएंगे, ठीक है जी, फॉल्स पे ही जाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट है, वो देख लें। द आर्टिस्ट हु बिलोंग टू यूनिट वन, दिस इज द कीवर्ड, वॉन्टेड टू मेक मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर मोर पॉपुलर। जो यूनिट वन के आर्टिस्ट है ना, वो चाहते हैं कि जदीद आर्ट को और फन्ने तामीर को पॉपुलर बनाए, आर्किटेक्चर को मजीद करें। चलिए हम देखते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे ही हिमसेल्फ स्टार्टेड कार्विंग अ वराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स इन स्टोन, इंक्लूडिंग डिपिक्टिंग ऑफ रिक्लाइनिंग विमेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, देख लें जी, ये यूनिट वन है, ये यूनिट वन की बात करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, मूर्स एक्सेप्शनल टैलेंट सून गेन रिकॉग्निशन, जल्द ही वो मशहूर हो गया। ही बिकेम पॉपुलर एंड इन 1926 ही स्टार्टेड वर्क एट अ स्कल्पचर इंस्ट्रक्टर एट रॉयल कॉलेज में एज ए इंस्ट्रक्टर भी काम करना शुरू कर दिया एज अ टीचर। इन 1933 ही बिकेम अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ यंग आर्टिस्ट कॉल्ड यूनिट वन, वो यूनिट वन का आर्टिस्ट का एक ग्रुप का मेंबर बन गया। द एम ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप का एम था वॉज टू कन्विंस इंग्लिश पब्लिक कि वो अंग्रेजों को या इंग्लिश पब्लिक है उनको कन्विंस करें, उनको अट्रैक्ट करें, ठीक है, ऑफ द मेरिट्स ऑफ द इमर्जिंग इंटरनेशनल मूवमेंट इन मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कि जो उभरती हुई इन जो बैनुल अक्वामी उभरती हुई मूवमेंट है किसमें, मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर में, उसकी तरफ इंग्लिश पब्लिक की तवज्जो दिलाए, उनको अपनी तरफ कायल करे। तो अभी यहाँ पे देख लें कि यूनिट वन क्या चाहती है, यूनिट वन चाहती है कि मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो मोस्ट पॉपुलर हो, लोगों की इस तरफ तवज्जो दिलाए, समझ आ रही है जी। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एज इट इज ही ये चीज मैच कर रही है, ठीक है, कि वो आर्टिस्ट जो यूनिट वन से बिलोंग करते हैं वो चाहते हैं कि मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो मोर पॉपुलर बने, बिल्कुल वही यहाँ पे भी वही कहते हैं कि वो लोगों को कन्विंस करने चाहते हैं, ग्रुप जो है वो कन्विंस करना चाहता है इंग्लिश पब्लिक को कि वो उभरती हुई जो बैनुल अक्वामी मूवमेंट मॉडर्न आर्ट और आर्किटेक्चर है ना उसकी कायल हो जाए, ठीक है जी, इसलिए वो उसको पॉपुलर बनाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रू और फॉल्स हैं। उम्मीद है कि इंतहाई सिंपल तरीके के साथ मैंने करवाया है, आपको अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।